अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको 2022 में जो पेपर आया था क्लास 9 के एंट्रेंस में, उसमें हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे उनका इनकम्प्लीट आपको सॉल्यूशन बताएंगे इस वीडियो में। हर एक क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन आए थे उसके बारे में बताएंगे, और इसमें आपको काफ़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलने वाली है आज की वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, उपना शब्द का सही अर्थ क्या होगा। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, पहनना, हाथ, जूता, उपकार। तो पहनना जो कहते हैं यानी किसी भी अपने बॉडी के पार्ट पे कोई भी कपड़े पहनने को पहनना कहते हैं। उसके बाद है हाथ, तो हाथ के जो दूसरे मतलब होते हैं उसको कहते हैं यानी कर, हस्त, ये सब होते हैं। उसके बाद है जूता, तो उपना का जो सही आंसर है, उपना शब्द का सही अर्थ होगा वो होगा आपका जूता। बाकी उपकार किसे कहते हैं, तो उपकार के हिंदी अर्थ है एहसान, इनायत, मेहरबानी, ये सब जो है आपके उपकार में आते हैं। किसी पे कोई फेवर करना जो है आपका उपकार में आता है। तो उपना शब्द का जो सही अर्थ होगा वो होगा आपका इसमें जूता। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पे आपको पुस्तक दे रखी है, पिता के पत्र पुत्री के नाम, इसके लेखक राइटर का नाम पूछा है। तो चार ऑप्शन दिए थे, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, कमलेश्वर और जवाहरलाल नेहरू। तो इसके जो लेखक थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। बाकी तीन ऑप्शन अगर देख तो महात्मा गांधी ने जो किताबें लिखी हैं वो कुछ यहाँ पे आपको दी हुई हैं, जैसे कि सत्य का प्रयोग, ठीक है, आत्मकथा, मेरी जीवन कथा, राम नाम, मेरे साथ। इसी तरीके से यहाँ पे 9 पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। उसके बाद है राजेंद्र प्रसाद, जो सेकंड ऑप्शन आपको दिया था, उन्होंने की जो किताबें हैं पुस्तक हैं वो कौन सी हैं, बापों के कदमों में बाबू, है ना, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी जी की देन, ये सब उनकी किताबें हैं। बाकी कमलेश्वर जो थे उन्होंने कोई पुस्तक तो नहीं लिखी है, लेकिन यहाँ पे स्टोरीज उनकी लिखी हुई हैं, और किस सन में कौन सी स्टोरी उन्होंने लिखी थी यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको जरूर टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन होइएगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्योंकि पीडीएफ हमने खुद तैयार की है, तो ये पीडीएफ आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगी, किसी भी वेबसाइट या फिर कहीं पे आपको, लेकिन ये 9th इंट्रेंस का जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहाँ पे इसकी पीडीएफ जरूर अपलोड कर दी जाएगी। तो अगर आपको खुद से पढ़ना है तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन जो है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा सारे क्वेश्चन का। उसके बाद जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा रचित हैं। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं और पूछा है कि इस पंक्तियों को किस कवि ने लिखा है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। आपको पता होगा कुछ कारक होते हैं, तो उसमें को जो है किस चिन्ह के लिए यूज किया जाता है, कौन से कारक में को का यूज किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है कर्म कारक। और उसके बाद है आपके चार ऑप्शन और दिए थे, इसमें तीन ऑप्शन, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि करण कारक क्या होता है। करण कारक और संज्ञा, वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। दोनों ही कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, करण कारक हो या फिर अधिकरण कारक हो। इसमें जो चिन्ह यूज होता है वो से यूज होता है, को नहीं यूज होता है। को जो यूज होता है वो आपका कर्म में यूज होता है, ठीक है। और बात करें इसमें अब संप्रदान कारक की, जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है, ठीक है, संप्रदान कारक भी आपको पता चल गया। उसके बाद अधिकरण कारक क्या होता है, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे आपको कुछ पंक्ति दी हुई थी और इसमें पूछा है कि कौन सा अलंकार इस पंक्तियों में यूज हुआ है। तो इसमें जो यूज हुआ था वो होता आपका अनुप्रास अलंकार। बाकी तीन ऑप्शन और इसमें और हैं, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और शैलेश अलंकार। तो एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले रूपक अलंकार क्या होता है, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां पे रूपक अलंकार होता है। उसके बाद है यमक अलंकार क्या होता है, तो यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द जितनी बार आए उतने ही अलग अलग अर्थ दे, यानी एक शब्द आ रहा है और हर बार अलग अलग अर्थ दे रहा है, वो आपका यमक अलंकार में आएगा। शैलेश अलंकार क्या होता है, जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वह शैलेश शब्द होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगिनी का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो तरंगिनी कहते हैं यानी नदी को, और इसमें अगर आप बात करें संसार, तो अगर तरंगिनी यानी नदी के ही और पर्यायवाची देखें सबसे पहले, तो सरिता भी कहते हैं, तटिनी भी कहते हैं, तरंगिनी भी कहते हैं, और यहाँ पे और भी है आपगा, ठीक है। उसके बाद है पर्वत, तो पर्वत जो है शैल, नेग, मधुर, पहाड़, अंचल, महीदर, गिरी, ये सब जो है पर्वत के पर्यायवाची हो सकता है, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। तो आपको सारे पढ़ लेने हैं, इस बार जो है नदी का पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम जो है आपका 2023 में कोई और सब पूछा जा सकता है। उसके बाद संसार का देखें, तो संसार कहते हैं यानी दुनिया, जग, जगत, जहान, लोक, भव, विश, इन सबको जो है आपका ये दुनिया के पर्यायवाची यानी संसार के पर्यायवाची है।
उसके बाद है अंगारे उगलना, मुहावरे का सही अर्थ है। यहाँ पे आपको एक मुहावरा दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका मतलब क्या निकल रहा है इस मुहावरे का, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कठोर वचन कहना। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो गलत है, बस इसका जो अर्थ होगा वो यही सही होगा। कुछ और मुहावरे आपको इसमें भी हमने ऐड किए हैं, जिसको आप पढ़ लें तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। जैसे कि मुहावरा है आँखों का तारा, यानी आँखों का तारा होना, तो इसका जो अर्थ है वो है मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा होना। अगर इसको वाक्य में देखें तो क्या होगा, ये बच्चा मेरी आँखों का तारा है। उसके बाद आपको जो दूसरा मुहावरा है वो है खून का प्यासा। खून का प्यासा कहते हैं जानी दुश्मन को, कोई आपका दुश्मन होता है तो उसी के लिए यूज करते हैं कि वो मेरा खून का प्यासा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है अजन शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है आजन, तो इसमें कौन सा समास यूज हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो है अव्ययभावी समास। उसके बाद तीन ऑप्शन इसमें और हैं, कर्मधारय समास, बहुविध समास, तत्पुरुष समास। तो एक एक करके पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले कर्मधारय समास क्या होता है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है वह कर्मधारय समास कहलाते हैं। कौन से, जिसका मतलब पहला पद विशेषण और दूसरा पद जो है उसका विशेष्य, वो आपके कर्मधारय समास में आते हैं। उसके बाद है बहुविध समास के बारे में पढ़ते हैं। तो यदि किसी सामासिक पद में प्रयुक्त प्रथम एवं द्वितीय दोनों पद अपना मूल अर्थ खोकर अन्य अर्थ प्रकट कर लें तो वह बहुविध समास कहलाते हैं। तो इसके इसी तरीके से दो ऑप्शन और हैं, इसे भी आप पढ़ लिएगा। तो ये कुछ टोटल 8 क्वेश्चन थे जो कि 2022 के पेपर में पूछे गए थे। सेम इसी तरीके से 2017-2018 के पेपर का जो हिंदी का पार्ट था उसका भी सॉल्यूशन जो है हम लोग ने अपलोड किया है यूट्यूब के चैनल पे। आप जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे जो है आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की। उसमें आप जाएंगे तो सारे ईयर के जितने भी सॉल्यूशन डाले गए हैं वो वहाँ पे मिल जाएगा। और साइंस का जो 2022 में जो साइंस पूछी गई थी क्वेश्चंस, उसकी भी हम लोग जल्दी यहाँ पे वीडियो लाने वाले हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा उससे भी हेल्प मिल जाएगी। और इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं।